हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ शादियों में बनने वाली हलवाई स्टाइल आलू बीन्स की सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बीन्स ले लिए हैं, इन्हें भी थोड़ा सा लंबा काट लिया है और आलू को भी मैंने लंबाई में काट लिया है ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे। अभी यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे ताकि जो इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच डाल दिया है राई। दोनों को क्रैकल होने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हमें अच्छे से भून लेना है। देखिए प्याज भुन गई है, तो यहाँ पे मैंने डाला है अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। मैंने इसे मिक्सी में दरदरा कर लिया था, तो एक चम्मच के बराबर ये डाल देंगे और कुछ सेकेंड हम प्याज के साथ इसे भी भून लेंगे। देखिए मैंने अदरक लहसुन को भी भून लिया है। इसी के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। आलू को यहाँ पे डालने से थोड़ा सा आलू भी फ्राई हो जाएगा और जितनी कसर हमारी प्याज में बची होगी वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो मिक्स करते हुए मैंने इसे फ्राई कर लिया है, प्याज भी हो गई है। तो अभी यहाँ पे डाल दूंगी मैं एक बारीक कटा हुआ टमाटर और इसे भी हम चलाते हुए थोड़ा सा गला लेंगे। टमाटर को भी मैंने अच्छे से गला लिया है। अभी इसमें डालेंगे हाफ चम्मच के बराबर हल्दी और स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो मैंने यहाँ पे बीन्स को भी डाल दिया है। बीन्स डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बच्चे ज़्यादा बीन्स पसंद नहीं करते हैं, अगर इस तरीके से सब्जी बना के दो तो वो भी बड़े शौक से खाते हैं। अभी मैं इसे ढक्कन लगा दूंगी और 2 से 3 मिनट में इसे ढक्कन लगा के पकाऊंगी कि 2 से 3 मिनट बाद देखिए हमारी जो बीन्स है वो भी सॉफ्ट हो गई है। पानी का इस्तेमाल हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अभी इसमें बाकी के मसाले मैं डालूंगी, तो वही बेसिक मसाले हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सब्जी मसाला लिया है। 1/2 चम्मच के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, बहुत अच्छा इससे कलर आता है। 1 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और 1 छोटा चम्मच ले लिया है आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जी में मसालों की कोटिंग अच्छे से आ सके। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसे हल्की आंच में 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए 5 से 6 मिनट भी हो गया है, एक बार सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है इसका और सब्जी भी हमारी पक गई है, आलू यहाँ पे पका हुआ है। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। देखिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया पत्ती डाल दिया है। आप इसे चावल, पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।